माई न्यू व्लॉग। और सुबह के बज चुके हैं 9:45 और हमारा नहाना हो चुका है, पूजा भी हो गई है। हालांकि मंदिर अभी तक नहीं गई हूँ और रीना ने काम कर दिया है कंप्लीट, क्योंकि हरिद्वार में हो गई है सोमवार के दिन। जैसे कि सावन का आज पहला दिन है और पहला ही सोमवार है, तो देखिए बारिश हो गई है शुरू, तो मंदिर हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बारिश में कैसे जाएं। सो वेट कर रही हूँ बारिश रुकने का, तो फिर उसके बाद जाएंगे हम मंदिर गाइज। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, शुरू के दिन ही लग रहा है कि हाँ सावन आ गया है। हालांकि अभी तक बहुत गर्मी थी और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, पंखों की भी जरूरत नहीं लग रही है और बादल पूरा बहुत तेज तेज आवाजें आ रही हैं और बिल्कुल घुल रहा है बादल, जैसे कि शाम तक बारिश होने वाली है। अब देखते हैं कैसा होने वाला है। और आज हम मंदिर में करेंगे कीर्तन, करेंगे तो जरूर, चाहे बारिश आए या कुछ आए। हालांकि बैठने का स्पेस कम है, लेकिन करेंगे कीर्तन जरूर 5 बजे शाम को। और देव गया है स्कूल और बारिश रुक जाए तो लेके चलती हूँ गाइस आपको मंदिर, जो लोग नहीं गए हैं वो यहाँ दर्शन कर सकते हैं। सो मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस 11:30 बज गए और मैं देखने लगी थी टीवी और देखिए मेरी भिंडी जल गई है पूरी, थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि मेरा था फास्ट देव और आदित्य जी के लिए, और देखिए पूरी काली हो गई है। और अभी देखते हैं कुछ और बनाना पड़ेगा गाइस, और क्योंकि मैं टीवी देखने में लग गई थी और बारिश कंटिन्यू हो रही है बहुत तेज़, अच्छी खासी बारिश हो रही है आज हरिद्वार में। देखिए सुबह से ही है और मैं मंदिर भी नहीं जा पाई हूँ आज क्योंकि बारिश रुकी ही नहीं बिल्कुल भी। सो मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस। दोपहर के 1:30 बज गए और देव का हो गया आने का टाइम और बारिश अभी भी कंटिन्यू है, तो मैं जा रही हूँ वो छाता लेके। और ये मेन गेट से है जो कि हमारी कॉलोनी का गेट है, देखिए दो छाता लेके जा रही हूँ तो वहाँ से देव को लेके आऊँगी, वरना फिर बारिश में भीगता हुआ आने वाला है वो, और वहाँ तक आएगा वो ऑटो से जैसे वो हमेशा आता है, तो बाहर गेट से उसे लेने चलते हैं। और नमक भी ख़त्म है मेरे पास, तो नमक भी लाना है मुझे। सो चलते हैं गाइस पैदल पैदल। मैं यहाँ रोड पे खड़ी होकर देव का वेट कर रही हूँ और वो अभी तक नहीं आया है। सो देखिए इधर अभी बारिश ऐसे हो रही है कंटिन्यू, लेकिन कम हो गई है, जैसे दिन में थी बहुत तेज़ बारिश थी लेकिन थोड़ी कम है। तो कर लेते हैं वेट देव का। सो गाइस देव आ चुका था और मैं इसे छाता में जैसे कि छाता लेके गई थी लेने और ले आई थी मैं, और देखिए लेटा हुआ है और इसने खाना खा लिया है और मैंने थोड़े से मखाने और दूध पी लिया है। सो अब हम बैठ के बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं थोड़ा सा, देव अपने स्कूल की बातें बता रहा है मुझे है देव। और आज शायद शाइनी आए गाइस क्योंकि उसके पापा का फ़ोन आया था मोनू का कि वो लेके आ रहा है उसे, और देखते हैं कितनी देर में आती है वो, क्योंकि मुझे भी उसकी याद आ रही थी और देव को भी उसकी याद आ रही थी। और जैसे ही हमने उसे कॉल किया तो उसने एकदम बोला बुआ याद आ रही है तो देखते हैं गाइस, उसका वेट कर रही हूँ बस मैं और मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। सो गाइस 5:30 बज गए हैं, देखते हैं मंदिर में कोई आया कि नहीं आया है, क्योंकि आज कीर्तन करने का मन था। आप देखते हैं गाइस, वरना बुलाना पड़ेगा फ़ोन करके लोगों को। तो गाइस कीर्तन के लिए तो कोई नहीं आया भैया लोग, लेकिन देखिए मंदिर सजा रहे हैं भोले जी को, अविरल भैया और जुगल भैया दोनों, और लेडीज तो सारी सो रही हैं शायद। तो गाइस आधा घंटा वेट करके मैं जा रही हूँ वापस से घर, और अविरल और जुगल मंदिर को सजा रहे हैं और कोई नहीं आया तो मैं अकेले क्या करूँगी। तो चलते हैं घर वापस से गाइस, आज कीर्तन का जो मन था वो रह गया है। सो गाइस हम आ गए मंदिर, मंदिर तो जैसे कि हम गए थे तो वहाँ तो कोई मिला नहीं था, लेकिन मैं छत पर आ गई हूँ वॉक करने और लगभग 1.25 घंटा हो गया मुझे वॉक करते हुए। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है और देव भी ट्यूशन से आ चुका है और देव चढ़ गया है ऊपर मोंटी पे। सो 7 बज गए हैं और हम 7:30-8 तक वॉक करने वाले हैं ऐसे ही, और 6 बजे मैं सीधा ऊपर ही आ गई थी, पहले मैंने अपने पेड़ वगैरह देखे सारे प्लांट देखे और अब वॉक करके जाऊंगी फिर नीचे, और फिर खाना बनाना है व्रत वाला। सो गाइस शाम के 7:45 बज गए और मैंने आलू की सब्जी बना दी है और इधर आटा मल के भी रख दिया है और अपने लिए कैफ्रेज बना रही हूँ। और देव और उसके पापा गए हैं डॉक्टर के यहाँ क्योंकि देव के गले में हो गया है आज दर्द, सो वो दवाई लेने के लिए गए हैं, रेडी कर लिया है और वो आएंगे तो हम तीनों इकट्ठे खाने वाले हैं। सो गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो
तो गाइस खाना हमारा लग चुका है। देखिए आलू पूड़ी, जो कि आज मैंने थोड़े से ग्रेवी वाले आलू बनाए हैं, ज़्यादा सूखे नहीं बनाए हैं। देखिए ग्रेवी वाले आलू हैं और इधर बन रही है पूड़ी, और देव को और उसके पापा को दे रही हूँ खाना अब मैं, और उसके बाद मैं लास्ट में मैं खाने वाली हूँ फिर, क्योंकि तीनों इकट्ठे खा लेंगे तो काम भी जल्दी निपट जाएगा। और गाइस 8:30 बज गए हैं, क्योंकि इन्हें लेट हो गया थोड़ा आने में डॉक्टर के यहाँ से, तो देव को देने वाली हूँ आज गर्म पानी और साथ में आज उसको नॉर्मल पानी भी नहीं मिलेगा, गर्म मिलेगा। देव हाँ अभी तेल हुआ नहीं था, लाओ वो मुझे दे दो, ये ठीक है आप उसमें से ले लो आप। तो गाइस शुरू की पूड़ी हमारी थोड़ी ऐसी हो गई थी, तो आधे छिन्न कर दी वापस हमारी पूड़ी। ओके गाइस रात के 9:45 बज गए और डिनर हमारा हो चुका है, और क्योंकि व्रत का खाना था तो हमने खा लिया है, और उसके बाद हमने देखा थोड़ी देर टीवी, सो काम हो गया कंप्लीट। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी, आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, और वीडियोस को एंड तक देखना है और कमेंट जरूर करने हैं। तो लेती हूँ आपसे विदा, ओके बाय, गुड नाइट।